गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकाल सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। इस दौरान सत्र को लेकर मिश्रा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मध्य प्रदेश में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 5 दिवसीय सत्र होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सोमवार से प्रश्न लगना शुरू हो गए हैं। इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इसी सत्र में पेश होगा। वहीं इस दौरान सत्र को लेकर मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ हंगामा करना जानती है। कांग्रेस चर्चा नहीं करती, चर्चा के वक्त हंगामा करती है। कांग्रेस जनहित के मुद्दे विधि सम्मत उठाएगी तो सरकार तैयार है। यह सत्र मध्य प्रदेश विधानसभा का यह सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आहूत किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई। कल से प्रश्न लगना प्रारंभ हो जाएंगे। एक सप्ताह का यह सत्र है, 5 बैठकें हैं इसमें। इसमें प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यगण जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकेंगे। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस सत्र के अंदर आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सत्र है। कांग्रेस के लोग जो सत्र होता है उसमें चर्चा करते नहीं, चर्चा के वक्त हंगामा करते हैं। जहां हंगामा करना चाहिए वहां चर्चा करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण सत्र है। वो जो भी जनहित के मुद्दे विधि सम्मत उठाना चाहे सरकार तैयार है।